गौरव अंजलि द्वारा संपन्न हुआ ऑडिशन, बढ़ चढ़कर बच्चों ने लिया हिस्सा। तो आइए देखते हैं कानपुर से जुबैर खान की खास रिपोर्ट। गौरव अंजलि की ओर से रतनलाल नगर स्थित दून इंटरनेशनल स्कूल में भी दूसरी व पावर ऑफ मूवमेंट का ऑडिशन संपन्न हुआ, जिसके फाउंडर गौरव निगम और ब्रांड एम्बेसडर शिखा शुक्ला ने बताया कि इस ऑडिशन में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें उनके द्वारा कुल 16 कैटेगरी रखी गई, जिसमें मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एंकरिंग, मेहंदी, रंगोली, डिज़ाइन, नेल आर्ट, फूड आर्ट, साड़ी डेपरिंग, हेयर स्टाइल, एक्टिंग समेत कुल 16 कैटेगरीज रखी गई थी, जिसमें 5 वर्ष से कर 50 वर्ष तक के लोग हिस्सा ले सकते हैं। इस ऑडिशन में लगभग 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। इसका ग्रैंड फिनाल नवंबर में आयोजित किया जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर शिखा शुक्ला ने बताया कि इस सभी बच्चों को उनके हुनर के अनुसार सेलेक्ट करके ग्रैंड फिनाल में भेजा जाएगा। गौरव अंजलि विदुषी द पावर ऑफ वुमेन के तहत महिलाओं को प्राथमिकता देकर उनके हुनर को निखारने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। इंटरनेशनल स्कूल में जहाँ पर लगभग 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इन डिफरेंट कैटेगरीज, डांसिंग से लेकर सिंगिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, मेहंदी, जितनी भी सारे आर्ट्स फॉर्म होते हैं उसमें भी बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। ये गर्ल्स का कॉम्पिटिशन है और आगे सारे स्कूल्स में ये कॉम्पिटिशन चल रहा है। इसका भी फिनाले होगा नवम्बर में। कितने सुना है? हाँ, ठीक है, हम सुना ना। अच्छा, आप लोगों को लगता होगा जो रेडियो में बोलता है वो कैसा होता होगा, लगता है ना? इतनी अच्छी आवाज है, वो होता कैसा है, लगता है ना?